फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसका हम पार्ट टू यानी कि SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। ओके, बेसिक से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या होती है, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ डिफाइन किया गया है कि हम एक ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, द रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन या फिर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है ना, अटैकिंग रिएजेंट यानी कि अटैकिंग रिएक्टेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, अगर हम बात करते हैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन लिखने का जो राइटिंग फॉर्मेट जो होता है वो तो आप जानते ही होंगे, राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिखने का जो राइटिंग फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लोग केमिकल रिएक्शन में जिस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो भी कंपाउंड, जो भी डिस्कशन चल रहा है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सब्सट्रेट। इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि सब्सट्रेट की रिएक्शन, मतलब कंपाउंड की रिएक्शन किसी दूसरे रिएजेंट या किसी कंपाउंड के साथ कराते हैं तो उस कंपाउंड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रिएजेंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिएजेंट। अब क्या होता है कि रिएजेंट कराने के लिए क्या होता है, कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, है ना, क्या होती हैं, रिएक्शन कंडीशंस। तो ये जो गिब्स आउट का साइन जो होता है, इस गिब्स आउट के साइन के ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है ना, मतलब रिएक्शन जो कराई गई है वो किन कंडीशंस में कराई गई है। और फाइनली हमें यहाँ जो मिल के आता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। तो हमारे बच्चों ने आज यहाँ पे ये सीखा कि एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे लिखने का रियल फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले सर ने बताया कि भाई जिस केमिकल या जिस केमिकल कंपाउंड के बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे हो या जिसकी स्टडी कर रहे हो, जिस किसी कंपाउंड की भी आप स्टडी करते हो, वो हमारे लिए क्या होता है, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि उस कंपाउंड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, तो जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि मान लो कि रिएक्शन कराने के लिए आपने कितना टेम्परेचर रखा हुआ है, कितना प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, कोई कैटालिस्ट तो नहीं है, हीटिंग कंडीशंस तो नहीं है, तो उन्हें कहते हैं रिएक्शन कंडीशंस। और फाइनली जो भी बन के आता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब पहले मैं बताता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, वो जनरली दो तरह के कंपाउंड देते हैं बेटा, दो तरह के कंपाउंड में, मतलब वैसे तो सभी में दिख जाती है लेकिन जनरली दो तरह के कंपाउंड देते हैं। उसमें से एक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास RX होते हैं। RX क्या होते हैं सभी जानते हैं, RX को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है बेटा, RX को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। ओके, और दूसरे कंपाउंड जो होते हैं जनरली वो होते हैं हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ROH। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड, यानी कि एक तो अपने हेलो एल्केन्स और एक अपने जो एल्कोहल्स होते हैं, जनरली जो है वो क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे RX लिखता हूँ, और RX के बारे में आप सभी जानते हैं कि RX जो होता है वो हेलो एल्केन होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हेलो एल्केन में ये जो R जो होता है, R क्या होता है, R होता है कार्बन की चेन होती है। ये कार्बन की चेन कितनी भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और X आप जानते हैं, X क्या होता है, X सर यहाँ पे अपना क्लोरीन हो सकता है ना, X यहाँ पे क्या सकता है, यहाँ पे सर क्लोरीन हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, X यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, X यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, और X यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है। तो मतलब ये हैलोजन एटम होते हैं, और इनके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो स्पीसीज यहाँ पे दिख रही हैं, और अगर इन पे नेगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ हो तो ये तो अपने आप में ही न्यूक्लियोफाइल होती हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करती है ना, तो मतलब ये खुद से न्यूक्लियोफाइल हैं बेटा, है ना। अब अगर मान लो कि
इस आरएक्स की रिएक्शन मैं किसी भी ऐसे रीजेंट के साथ कराने जा रहा हूँ जिसके पास वहाँ पे खुद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब अपने हेलोएल्किन की रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल से कराने जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ये हो कि जिस न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारे लिए यहाँ पे किसका काम करेगा, रिएजेंट का, और अपना जो हेलोएल्किन है ना बेटा वो किसकी तरह काम करेगा, सब्सट्रेट का। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, मतलब आप जब सब्स्टिट्यूशन करवाने जा रहे हो बेटा, तो ये जो हेलोएल्किन जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हेलोएल्किन अपना सब्सट्रेट का काम करता है और ये अपना रिएजेंट का काम करता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को यहाँ से हटा देता है और हटाने के बाद खुद उसका प्लेस लेता है, आप जो को हटा रहे हैं तो हटाने के लिए हमने क्या लगाया, माइनस। किसको हटा रहे हैं अपने, एक्स को हटा रहे हैं, ठीक है, एक्स को हटा दिया और फाइनली यहाँ पे अपना जो आर था ना, आर के साथ आपने यहाँ पे एन यू को अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ गया, है ना। और यहाँ पे जो हटके जो स्पीसीज आती है, इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप, क्लियर है ना बेटा। तो हमें समझ में आ गया कि दिस टाइप ऑफ फिनोमेना नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड दिया जाता है, जैसे कि हेलो एल्केन दिया होगा या फिर आपको दिया होगा एल्कोहल, और उस कंपाउंड की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट के साथ कराना है। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट किसे कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तो अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हो, तो करवाने के बाद अगर न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कंपाउंड के अंदर से जो लीविंग ग्रुप होता है उसे अगर हटा देता है और कंपाउंड बना लेता है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन शॉर्ट हम लोग इनको बोलते हैं SN, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, SN। अब हमारे बच्चों को समझना होगा कि ये जो SN रिएक्शन जो होती है बेसिकली वो कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। तो ये समझना होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स, मतलब बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो फोर टाइप की होती हैं। पहली बेटा जो होती है वो होती है हमारी SN2 होती है। SN2 की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिकुलर, ठीक है ना, बाई मॉलिकुलर, बाई का मतलब यहाँ पे 2 से है। और दूसरी रिएक्शन जो होती है बेटा वो होती है SN1 होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर, ठीक है। अगली होती है बेटा हमारे पास SNI होती है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंटरनल रिएक्शन। और एक होती है हमारी ARSN2 होती है, ARSN2 होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी मैं क्या है कि इन सब के बारे में आपको एक हिंट बताने वाला हूँ, और ये हिंट बहुत ही काम की, और वो क्या है वो समझो बेटा। हम यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो देखो बेटा हमारे जो 2 डिग्री हेलोएल्केन जो होते हैं, 2 डिग्री हेलोएल्केन अभी आपको बता देंगे क्या होते हैं, एक तो अपने 2 डिग्री हेलोएल्केन और जो 3 डिग्री, एक तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो कंपाउंड आपको देते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो हेलोएल्केन होते हैं वो देते हैं आपको SN2 रिएक्शन। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 डिग्री की, 1 डिग्री हेलो एल्केन और 2 डिग्री हेलो एल्केन जो होते हैं वो आपको देते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। और आपके जो एल्कोहल कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल, तो ये जो एल्कोहल टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो देते हैं SNI रिएक्शन। और जो हमारे हेलोएरिन्स होते हैं, हेलोएरिन किन्हें कहते हैं, जिनमें हेलोजन आइटम बेंजीन के साथ अटैच होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ARSN2 रिएक्शन। तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई SN रिएक्शन कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। तो समझ में आ गया कि अगर SN2 की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन जो है वो कौन देता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं, और 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या देते हैं, SN1 देते हैं, एल्कोहल देते हैं SNI और हेलोएरिन देते हैं ARSN2, ठीक है। इतना करने के बाद भाई एल्कोहल के टाइप, हेलो एल्केन के टाइप सीख लो कि हेलो एल्केन के टाइप क्या होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक यहाँ पे आता है अपना कि ये 1 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होते हैं ना, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन्स किन कहते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना कार्बन है ना, और कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे 1 हेलोजन एटम है और यहाँ पे एक कार्बन की चेन है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही हमारे लिए मेन कार्बन होता है, दिस इज। अगर इस कार्बन एटम की बात करोगे तो इस कार्बन एटम की कितनी वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो आप देखोगे 1, only 1, यानी कि इस कार्बन एटम की ओनली 1 वैलेंसी कार्बन एटम सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सा होगा, ये होगा 1 डिग्री हेलो एल्केन। और इनका एक नाम और भी है, इन्हें हम या करके
प्राइमरी हेलोएल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी हेलोएल्केन। ठीक है, अब देखो जरा, अब बात यहाँ पे आती है कि ये 2 डिग्री हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। 2 डिग्री हेलोएल्केन्स ये क्या होते हैं? 2 डिग्री हेलोएल्केन्स कहने कहते हैं, वो भी समझ लो बेटा। अब हमने यहाँ पे कार्बन लिया बेटा, और एक एच ले लिया, और एक अपना हेलोजन एटम है। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसीज पे ना हम अल्काइल ग्रुप लगाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये एक ऐसा हेलोएल्केन है जिसकी 2 वैलेंसीज कार्बन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन उसे बनाता है 2 डिग्री हेलोएल्केन। यहाँ पे कार्बन की डिग्री 1 थी, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो हेलोजन आइटम है वो बनाता है आपका 1 डिग्री हेलोएल्केन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री हेलोएल्केन की, बात करते हैं 3 डिग्री हेलोएल्केन्स, ठीक है ना। क्या बात करते हैं भाई? 3 डिग्री हेलोएल्केन्स। अब यहाँ पे कार्बन आइटम लिया, और ये अपना हेलोजन का आइटम है, और अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। तो ये हमारे पास 3 डिग्री एल्केन है। तो आप बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हो कि विच वन इज़ अ 1 डिग्री, विच वन इज 2 डिग्री एंड विच वन 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो ये आपके पास हो गए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन्स, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन स्टार्ट करें। क्या करेंगे बेटा? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। इसको समझते हैं बेटा। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई, अपने एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने कंपाउंड लिया हुआ है CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड लिया बेटा, ठीक है। और इस कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो एक्वेस KOH के साथ कराएंगे, एक्वेस KOH यानी कि सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। और एक्वेस KOH के बारे में आप जानते हो कि ये क्या करता है, एक्वेस KOH का काम होता है हमें न्यूक्लियोफाइल देना, है ना। क्या काम होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल देना, कौन सी? OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पे एक्वेस KOH की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है ना वो BR को हटा देगा, और BR को हटाने के बाद यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? CH3OH, है ना, मिथेनॉल। और साइड कंपाउंड क्या निकलेगा? KBr, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। CH3Br के बारे में हम सभी जानते हैं कि CH3Br जो होता है दैट इज ऑल अबाउट द मिथाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, एंड दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे बन के आया इस कंपाउंड को हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज द मिथाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा। ये जो कंपाउंड है बेटा यहाँ पे क्या है? मिथाइल एल्कोहल, और ये तो अपना साइड कंपाउंड है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन जो हुई है, ये रिएक्शन जो आपको यहाँ दिख रही है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो बेटा SN2 का एग्जाम्पल है। लेकिन अब हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम कैसे बता पाएंगे, सर हमें कैसे पता है कि सर SN2 का एग्जाम्पल है? क्या SN2 का ये पर्टिकुलर एक ही एग्जाम्पल होता है या इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं होते? तो बेटा ध्यान दो, SN2 के मैकेनिज्म को समझने के लिए ये एग्जाम्पल सबसे सूटेबल है। अगर हम कोई बुक या कोई नोट्स अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो ये वाला लिया जाता है, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये अपना मिथेनॉल और KBr बन के आता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि आप KOH एक्वेस जब भी देखोगे तो उससे सिर्फ एक ही नीड ध्यान रखनी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस मीडियम में आपको देने वाला है एक K+ और एक देने वाला है OH नेगेटिव। और बेसिकली OH नेगेटिव जो है ना बेटा वो हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो लिखी हुई है इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ना इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म ध्यान देनी होगी बेटा, कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो पहले हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बेटा, है ना बेटा, कि आखिरकार ये रिएक्शन हुई कैसे, तभी तो कुछ समझ में आएगा इसके बारे में, है ना। तो हम समझते हैं कि आखिरकार ये रिएक्शन होगी कैसे, पहले वो समझते हैं। देखो बेटा, अब ये CH3Br जो है बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। आप भी जानते हैं भाई कार्बन जो अपनी वैलेंसी शो करता है वो टेट्राहेड्रल शो करता है। तो देखो ये अपना कार्बन हो गया, ठीक है, और जो ब्रोमीन जो लगाना है उसे हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? अपना ब्रोमीन हो गया। और जो 3 हाइड्रोजन के जो एटम है उनकी एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स को हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर है। अब क्योंकि ये मिथाइल ब्रोमाइड है तो अगर थोड़ी देर सोचने वाली बात है भाई कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, सभी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो ब्रोमीन का जो एटम दिख रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ स्लाइटली शिफ्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा कि ब्रोमीन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा, ये दिया नहीं जाएगा। और कार्बन पर यहाँ पे ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कॉन्सेप्ट ना बेटा वो हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि सर जब भी
मिथाइल ब्रोमाइड या इस तरह का कोई भी हेलोएल्केन दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे ये समझ के चलेंगे कि जो ब्रोमीन हो यहाँ पे या क्लोरीन एटम हो, उस पर यहाँ पे हमेशा पार्शली नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस रहती है। और अपने कार्बन पर क्या है, अपने कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, मतलब कि प्लस चार्ज रहता है। अब ये प्लस चार्ज ही तो वो वजह है जो कि सब्स्टिट्यूशन के लिए उसे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है। भाई बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो कहाँ अटैक करती है? न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहाँ पर अटैक करती है जहाँ पर लगता है कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो होगी वो अटैक कहाँ करेगी? अब हम SN रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगी, अटैकिंग फाइल जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए भाई यहाँ थोड़ी ना अटैक करेगा, भाई इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पे वो अटैक कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगी, KOH से कौन सी न्यूक्लियोफाइल मिलेगी, OH नेगेटिव। तो अगर मैं ये इमेजिन करता हूँ कि मेरी जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आ रही है, मतलब मेरी जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आई, सपोज दैट ये अपना हो गया O, H और नेगेटिव, ठीक है, ये सपोज करके चलते हैं, ये अपना OH नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे करना है क्या है, मुझे कार्बन को अप्रोच करना है। तो अगर मैं कार्बन को अप्रोच करने जाऊंगा तो मेरे रास्ते में कौन पड़ेगा भाई, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्या करेगा, कार्बन को अप्रोच करने से रोकेगा, तो मुझे अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, और रास्ता चेंज करके मुझे यहाँ पे तब जाके कार्बन को अटैक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो फ्रंट साइड से अटैक करने की कंडीशन में जो आगे आने वाला जो ये जो ब्रोमीन जो एटम जो आपको दिख रहा है, ये आने वाली न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इसके रिपेल करने से क्या होगा कि यहाँ पे OH नेगेटिव BR को ढंग से अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस ये नहीं है। तो फिर OH नेगेटिव क्या करेगा, ऐसी सूटेबल कंडीशन ढूंढेगा जहाँ से जा करके वो कार्बन को बढ़िया से अटैक कर पाए। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो कार्बन के पास जो तीन हाइड्रोजन है उनके बीच में ये वाला जो स्पेस है ना वो खाली है, तो अगर यहाँ कार्बन जाए OH न्यूक्लियोफाइल जाती है तो वो यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और SN2 अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो SN2 केस में क्या होता है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होती है, इट इज़ ऑलवेज अटैक फ्रॉम द रियर साइड, यानी कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना वो हमारे कार्बन को रियर साइड से अटैक करती है, और ये अपना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम का क्वेश्चन। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा बेटा कहाँ से अटैक करती है, रियर साइड से अटैक करती है। तो ये अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया कि भाई SN2 की मैकेनिज्म में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होती है वो कहाँ से अटैक करती है, तो अटैक कहाँ से करती है बेटा, रियर साइड से। तो अब जैसे यहाँ पे वो रियर साइड से अटैक करेगी, तो रियर साइड से अटैक करने पर क्या होगा वो देखो ज़रा। आपको ये तो पता होगा कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन को अप्रोच करने जा रही है, मतलब जुड़ने जा रही है, और ये तो पहले से ही जाना चाहता था BR। तो अब जब इसकी अप्रोच होगी तो इसकी क्या होगी, लीविंग होगी। भाई जब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा तो ये क्या करेगा, लीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ये लीव करेगा क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और लीविंग ग्रुप जो है वो एक साथ कार्बन को एक कंडीशन में अप्रोच करते हैं। जैसे कि देखो ये अपना OH है, ठीक है, और ये जो OH है वो क्या कर रहा था, अपने कार्बन को अप्रोच कर रहा था, और ब्रोमीन किस कोशिश में था कि वो लीव करना चाहता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे लीव करना चाहता है, क्लियर है ना। अब जैसे ही यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आती है, तो ये जो हाइड्रोजन डेंसिटी जो अभी टेट्राहेड्रली जो सिचुएटेड थी वो क्या करती है, इसके रिपल्सन की वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाती है, मतलब एक प्लेन में आ जाती है, एक प्लेन में आ गई। तो ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो OH है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और यहाँ पे भी पार्शली नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, इसको अप्रोच करते हुए दिखाएंगे, इसको यहाँ से लीव करते हुए दिखाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक स्टेज ऐसी बन के आती है, इस स्टेज को बेटा यहाँ पे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ये जो स्टेट बेटा यहाँ बन के आई है इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कई तरह से समझाया जा सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कि प्रोडक्ट बनने से पहले की कंडीशन होती है, जिसका जो हाफ लाइफ टाइम जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब ये बहुत कम समय के लिए बनती है बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो यहाँ पे रुकना चाहता है वो रुक जाए और जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो आपको ये पता है कि भाई जो आने वाला जो कंपाउंड है ना वो क्या है, वो OH है, ये आना चाहता है ना, ये अटैकिंग एजेंट है, और ये क्या है, लीविंग ग्रुप है।
अगर हम बात करेंगे कि ये क्या है भाई, हमारे पास ये ए आर है, ए आर बोलेंगे तो अटैकिंग रिजेंट है, और ये क्या है भाई हमारे पास एल आर है यानी कि लीविंग ग्रुप है, यानी कि लीविंग रिजेंट है। तो फाइनली क्या होगा कि जो बी आर नेगेटिव है वो तो ऑलरेडी ही जाना चाहता था, तो ये कार्बन को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा, और वो भी कैसे, देखो जरा एरो देखो जरा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ये क्योंकि बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और कौन बाहर जा रहा है तो वो जा रहा है अपना बी आर नेगेटिव बाहर जा रहा है, कौन जा रहा है भाई बी आर नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब क्योंकि ये एरिया पूरा जो एरिया ना वो खाली हो जाएगा, है ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ से बी आर निकल जाएगा तो ये एरिया पूरा वेकेंट हो जाएगा। फिर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके रिपल्सन की वजह से यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, वो यहाँ पे बेंट हो जाएगी। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे है अपना OH और इधर अपना ये कार्बन है, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन गया है, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अभी क्या करना है कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ सीखना है। जैसे यहाँ देखो बेटा, इस हेलो एल्केन में जो अपनी न्यूक्लियोफाइल थी ना वो कहाँ थी, टुवर्ड्स राइट। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ तो मेरी जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपको दिख रही है वो किस साइड में दिख रही है, जरा बताओ। मेरी जो न्यूक्लियोफाइल जो मुझे दिख रही है वो यहाँ पे राइट साइड में दिख रही है, और जो कम प्रोडक्ट जो बन के आया है उस प्रोडक्ट में मेरी जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो मुझे कहाँ दिख रही है, वो लेफ्ट साइड दिख रही है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर कभी भी अगर आपको ऐसा दिख रहा हो कि जब मैकेनिज्म दिख रही हो, मैकेनिज्म के दौरान जो न्यूक्लियोफाइल है अगर उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो कंपाउंड जो बना हुआ है, मतलब प्रोडक्ट जो बना हुआ है, प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बना हुआ है बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना वो प्रोडक्ट है बेटा। क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन लेकिन ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन के साथ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। अभी यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन का मतलब सिर्फ इतना समझोगे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ये यहाँ पे राइट में और ये यहाँ पे लेफ्ट में। जल्दी ही हम इन्वर्जन और रिटेंशन के बारे में स्टीरियो वाली वीडियो शूट करेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कि वहाँ पे एक्चुअली इन्वर्जन क्या होता है। अब देखो एक्चुअली ये होता है कि इन्वर्जन के लिए ना हमारे पास एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है देखो बेटा, जैसे कि मान लो कि रेनी सीजन में आप लोग जब बाहर निकलते हो किसी काम के लिए तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, ठीक है ना। तो अगर आप, आपको पता है कि अम्ब्रेला का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ये है कि वो डाउनवर्ड यहाँ पे बेंट है, यानी कि इसकी जो कर्व जो है वो डाउनवर्ड है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि एक कोई लड़का है, मान लो जरा कौन है, यहाँ पे है भोलू, ठीक है, एक लड़का है यहाँ पे, भोलू नाम का एक लड़का है, और वो यहाँ पे अम्ब्रेला लेके निकलता है, क्लियर ना। तो अगर अम्ब्रेला लेकर के अगर ये जाता है और किसी काम से ये बाहर गया और फिर ये वापस आया, और आने के बाद इसका अम्ब्रेला जैसा का था, जैसा था अगर वो वैसे का वैसा ही ले गया था, मतलब ये अम्ब्रेला ऐसा ले गया था और इस अम्ब्रेला को वापस ऐसा ही लेके आता है, तो अगर जिस कॉन्फ़िगरेशन को वो ले गया था उसको ही वो वापस करता है, तो इस तरह की फिनोमेना को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है रिटेंशन। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। अभी अगर सपोज करो कि हवाओं के चलने की वजह से ये अम्ब्रेला की जो कर्व है अगर वो अपवार्ड बेंट हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा हुआ भी हो कई बार आपके साथ, है ना। तो अगर कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाता है और ऐसा होने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि चेंज हो गया है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा है बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। और कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा का वैसे ही आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन। फिलहाल अपने मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये जो कंपाउंड था अपना क्या था भाई? ये कंपाउंड अपना रिएक्टेंट था। क्या कंपाउंड था भाई अपना? ये रिएक्टेंट था। और इस रिएक्टेंट में अपनी जो बी आर है ना वो कहाँ पे थी, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल थी वो राइट साइड थी, और ये अपना प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में अपनी न्यूक्लियोफाइल कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट से कहाँ पे आ गई? लेफ्ट में आ गई। राइट से कहाँ पे आ गई? लेफ्ट में आ गई। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ है ना बेटा। अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हुआ है, सो दैट अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ कि ये जो है कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। तो भाई ये ध्यान रखनी है कि अपनी जो एसएन2 रिएक्शन जो होती है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती है। दूसरा आपको यहाँ पे तो ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में कितने स्टेप हुए हैं। मेन सबसे मेन तो यही है कि इस रिएक्शन में कितने स्टेप हुए हैं। तो बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन में केवल एक ही स्टेप है, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है ना इसको लाइक स्टेप में काउंट नहीं करते। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो बस ये क्या था, ये अपना सबस्ट्रेट था, ये अपना न्यूक्लियोफाइल था, इसने इसको हिट किया और एक ही स्टेप में यहाँ ने इसने क्या किया, लीविंग ग्रुप को हटा दिया और अपना प्रोडक्ट बना लिया।
तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन जो हुई है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा। कैसी है बेटा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन जो हमने यहाँ बनाई है ये यहाँ पे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप होने की वजह से इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो केवल एक ही स्टेप में होती है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन को होने के लिए सबस्ट्रेट शामिल हो रहा है, सबस्ट्रेट यूज़ किया जा रहा है, और उसी टाइम पर न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ हो रही है। सो दैट हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन जो है ये यहाँ पे SN2 है, बिकॉज इस रिएक्शन की जो रेट है, अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की, मुझे रेट के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी बेटा, रेट के बारे में, तो इस रिएक्शन की जो रेट है ना वो दोनों पे डिपेंड कर रही है। किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो अपने सब्सट्रेट पे डिपेंड कर रही है और अपने न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रिएक्शन ना वो कैसी है बेटा, SN2 रिएक्शन। कौन सी है बेटा, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में फेमस निमोनिक है ना भाई, SN2 रिएक्शन क्या होती है बताओ। SN2 रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है, पहली बात, ठीक है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मिला आपको वो क्या मिला, कि वो एक ही स्टेप में होती है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये सीखने को मिला कि SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट, है ना। तो रिएक्शन की जो रेट होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है, ये बात आपको जाननी होगी, ठीक है। तो रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों पर डिपेंड कर रही है ना। और क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में होती है। और क्या हो रहा है, कॉन्फिगुरेशन का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है बेटा, इन्वर्जन। और साथ ही साथ क्या होता है भाई, यहाँ पे इन्वर्जन के साथ साथ कंपाउंड जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट के साथ बनता है। क्या बनता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट के साथ। तो ये दो तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी होंगी SN2 के अबाउट में, कि SN2 के में क्या होता है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में होती है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो है और सबस्ट्रेट दोनों ही एक साथ यहाँ पे काम में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसे अटैक करके लीविंग ग्रुप को यहाँ से हटा रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना अटैक करने वाली, वो कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, वीक होनी चाहिए या फिर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो भाई एक सिंपल सा आंसर आएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करती है, हेलो एल्केन के जो मॉलिक्यूल को, कार्बन को अटैक करती है, और जब वो वहाँ अटैक करती है तो ऑब्वियसली कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वीक होगी ना तो वीक करने से अटैक इतना फास्टर नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि वो वहाँ पे अटैक कर पाए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी भाई, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना कैसी होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए स्ट्रांग, क्लियर है ना भाई। स्ट्रांग होगा तभी तो काम होगा भाई, वीक होगा वीक से काम तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर रिएक्शन की जो रेट है, रेट के बारे में बात करते हैं, तो रिएक्शन की जो रेट, सबसे पहले रेट के बारे में बात कर लो बेटा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक तो अपना जो कंपाउंड है ना, कौन सा वाला, सब्सट्रेट, तो एक तो बेटा सब्सट्रेट पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर। तो दोनों पर डिपेंड कर रही है। अब दो मॉलिक्यूल्स पर क्योंकि रेट एक साथ डिपेंड कर रही है ना, इसीलिए इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे SN2 वर्ड का यूज होता है, क्योंकि टू का मतलब यहाँ पे होता है बाई मॉलिक्यूल, बाई का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है ना दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, और SN तो है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ये, इसीलिए इसे बोलते हैं SN2 यानी कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ सीखेंगे SN2 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं बेटा, ठीक है। तो देखो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, यानी कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में होती है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। तो SN2 रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, कितने स्टेप में होती है, केवल एक स्टेप में, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेप नहीं मानते, ठीक है। अगला देखो कि SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द लिविंग ग्रुप फ्रॉम रियर साइड, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करती है बेटा, रियर साइड से, ठीक है ना, एक स्टेप में होती है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करती है, रियर साइड से। अगला पॉइंट है, इन SN2 रिएक्शन नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब सर ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं तो बता दो, यानी कि प्रोडक्ट के बनने से पहले अगर कोई भी एक स्टेबल स्पीसी बन जाए, प्रोडक्ट के बनने से पहले अगर कोई भी स्टेबल स्पीसीज बनती है तो वो कहलाती है इंटरमीडिएट, और यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पे कुछ बना नहीं था, इसलिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसमें कहा जाएगा कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगला पॉइंट है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन SN2 रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, मतलब बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है, दोनों कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ये भी एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है।
अगला है एसेंटुएशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो तुम बता ही चुके हैं ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के साथ होती है, ठीक है। तो एसेंटुएशन के कुछ पॉइंट्स समझ में आ गए, कौन कौन से? सर देखो, एसेंटुएशन एक स्टेप में होगी पहली बार, दूसरा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो कार्बन एटम को रियर साइड से अटैक करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग एक साथ होती है। न्यूक्लियोफाइल कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉन्फिगरेशन कैसा होना चाहिए? इनवर्जन होना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट SN2 के रिगार्डिंग आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और भी पॉइंट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आया भाई ये ट्रांजिशन स्टेट आया, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप लोग ये सोचते होंगे कि सर ये अपना कैसे समझ में आता है, कैसे डिसाइड होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में होगी या फिर दो स्टेप में होगी, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो बेटा क्या होता है कि ये सब क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिहा पर डिसाइड होता है। तो अगर मैं SN2 की कोई रिएक्शन को अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोप के हिसाब से अगर मैं इसे कंपैरिजन करूँगा, अगर इसे स्टडी करूँगा, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ मिलेगा ऐसा कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा ये। तो अगर आप नोटिस करोगे कि आपको जो पिक्चर, ऐसी पिक्चर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो हार्ट बीट को मीजर करने के लिए जो एक कैप्चर डिवाइस लगी होती है, वो कुछ इस तरह की पिक्चर यहाँ पे आपको देती है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल पीक यहाँ पे दिखती है, सिंगल पीक। तो सिंगल पीक का मतलब ये होता है कि रिएक्शन एक स्टेप में होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे ना, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या रहता है। सर पहले स्टेप में आपने बताया था कि अपना हेलोएल्केन रहता है इस तरह से, है ना, और क्या रहता है अपना न्यूक्लियोफाइल रहता है ना। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है भाई, कार्बन को अप्रोच करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो कार्बन के साथ इस तरह से यहाँ जुड़ गए और लीविंग ग्रुप को यहाँ से हटाते हैं अपना जो कि एक्स है, और ये अपनी जो स्टेट है इस स्टेट को क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये अपना बेटा अपना ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि TS है। और फाइनली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अपने कार्बन के साथ जुड़ जाता है और कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है और फाइनली यहाँ पे एक्स नेगेटिव निकल गया जाता है। तो अगर किसी एग्जाम पेपर में, मान लो कि बोर्ड एग्जाम हो रहा है और उसमें MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें इस तरह का कोई डायग्राम अगर आपको मिल जाता है जहाँ पे एक एक सिंगल पीक यहाँ पे आ रही है, तो सिंगल पीक देखो यहाँ पे नोटिस करना है कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सिंगल पीक मिलेगा। तो ये सिंगल पीक का मतलब ये होता है कि रिएक्शन में सिंगल स्टेप होगा। सिंगल पीक का मतलब सिंगल स्टेप, यानी कि एक स्टेप, और एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, SN2। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई ग्राफ अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि ये दिस इज ऑल अबाउट द SN2, ठीक है। सो दिस इज द SN2 का ट्रांजिशन स्टेट आ गई। काइनेटिक्स की बात हम लोग कर ही चुके हैं, काइनेटिक्स में क्या करते हैं ये बताते हैं कि रिएक्शन की जो रेट है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो हमने सीखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, यानी कि एक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और सबस्ट्रेट के साथ साथ किस पर डिपेंड करती है, अपना न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है अगर इसे हाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे आ जाता है अपना इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा अपना सबस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, अपना सबस्ट्रेट आ गया, और ये क्या हो गया, ये अपना हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ओके। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी काइनेटिक बताओ, तो काइनेटिक के लिए ये वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है, एक तो अपने हेलोएल्केन पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है भाई, यहाँ पे प्रोपोर्शन से रेट कांस्टेंट और आ जाएगा, तो रेट कांस्टेंट ले लेंगे और अपना जो हेलोएल्केन है उसको यहाँ पे RX दिखा दोगे, और न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल ही है भाई, अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिखा दो इस तरह से NU नेगेटिव टाइप का, ये अपना आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक काइनेटिक। तो काइनेटिक में सिर्फ हम इतना लिखते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में ग्राफ बनाते हैं और काइनेटिक में क्या लिखते हैं, रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन में आ गया भाई, दोनों बंदे आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, सबसेट आ रहा है और क्या आ रहा है, अपना न्यूक्लियोफाइल, दोनों आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टीरियो की बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया भाई स्टीरियो के बारे में कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो होती है कंप्लीट इन्वर्जन के साथ, है ना। मतलब रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड का कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन हो रहा है या फिर रिटेंशन हो रहा है ये बताने की जो फिनोमेना होती है इसको बोलते हैं स्टीरियो बोलते हैं, और इस इन्वर्जन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। रीज़न क्या है,
रीज़न ये है कि लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से यानी कि पीछे की तरफ से अटैक करता है, इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन। ठीक है, तो ये इसमें स्टीरियो में सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन्वर्जन है या फिर रिटेंशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसएन2 रिएक्शन, मतलब एसएन2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर जो होता है बेटा वो होता है अपना नेचर ऑफ सब्सट्रेट, है ना बेटा, क्या होता है, नेचर ऑफ सब्सट्रेट। पहला फैक्टर तो बेटा यही है, यानी कि सब्सट्रेट कैसा होना चाहिए एसएन2 के रिगार्डिंग। ठीक है, और दूसरा होता है अपना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट दूसरा फैक्टर बेटा ये है, और तीसरा जो होता है वो होता है अपना नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली अगर हम बात करना चाहो तो बेटा यहाँ पे तीन फैक्टर ही यहाँ पे काम में आते हैं, वैसे इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली तीन ही फैक्टर काम में आते हैं। कौन कौन से भाई, ऑब्वियस ही बात है ना, तीन चीज़ें भी तो थी, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करोगे और एसएन2 कराने के लिए अपना जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल है वो कैसी होना चाहिए, सब्सट्रेट जो है वो कैसा होना चाहिए, इन सारी की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सब्सट्रेट। ठीक है बेटा, क्या स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ सब्सट्रेट। तो नेचर ऑफ सब्सट्रेट में हम सारे वो केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे एसएन2 की रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर इंक्रीज हो सकती हो। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट हुआ नेचर ऑफ सब्सट्रेट। तो नेचर ऑफ सब्सट्रेट की बेटा अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखना है कि इसमें से पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना सब्सट्रेट का वो ये है, एसएन2 रिएक्शन जो होती है वो मिथाइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा होती है, रीज़न अभी बताएंगे इसका। उसके बाद जो आपका 1 डिग्री या फिर जो इथाइल हैलाइड जो होता है उसमें रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, और आइसोप्रोपाइल हैलाइड जो होते हैं वहाँ पे रेट और कम हो जाती है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड होते हैं ये वाले CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे CX, तो जो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो ना कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना वो डिक्रीज हो रही है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि भाई यहाँ पे जो रेट है वो ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, और यहाँ पे कम होगी, रीजन समझते हैं बेटा। देखो जरा, मान लो बेटा मैंने एक तरफ यहाँ पे लिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल के केस में क्या होता है सर, इधर ना यहाँ पे अपने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है अपना BR होता है, और यहाँ पे कौन होता है अपना न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल को ना कार्बन को अटैक करना है, तो भाई जब कार्बन अटैक करने जाएगा ना क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई कार्बन को अटैक करने के लिए भाई स्पेस कितना है, स्पेस कितना है, भाई जाएगा तो उसे जगह भी चाहिए ना अटैक करने के लिए ना, तो भाई भाई यहाँ पे स्पेस तो देखेगा ना, तो अगर वो देखेगा कि यहाँ पे स्पेस जो अच्छा खासा है ना, तो आराम से जाकर वो क्या करेगा, स्ट्रांगली कार्बन को अटैक करेगा, और अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर से निकाल देगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे CBr, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं CBr। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, ये अपना कार्बन हो गया और ये अपना क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब ये इस कार्बन के साथ तीन बार CH3 है, तो पहले मैंने क्या किया, एक CH3 ऐसे लिखा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन से एक बार CH3 आ गया। अब दूसरा CH3 लो बेटा, इस CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अब एक तीसरा CH3 और बचता है, तो एक कार्बन और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। और SN2 जो होगी उसमें क्या होगा वो सभी जानते हैं, SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे की साइड से अटैक करती है। अब ये देखो बेटा, आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो स्पेस था ना वो काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल चाहे तो भाई कहाँ से अटैक करे, जगह ही नहीं अटैक करने के लिए, तो वहाँ पे देयर इज नो स्पेस, तो जब तक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को हिट नहीं कर पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी, तब BR यहाँ से कैसे जाएगी, वो समझ में आया ना आपको बेटा। यहाँ पे मिथाइल के केस में रिएक्शन SN2 की रेट जो है वो ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होता है और यहाँ पे ना क्राउड ज़्यादा है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना वो कैसा है, मोर क्राउडेड है बेटा, है ना, मोर क्राउडेड। तो ध्यान रखना है कि अगर हम क्राउड की बात करते हैं कि कार्बन जिसको भाई अटैक करना है, भाई ये डेल्टा प्लस है, तो ये बंदा यहाँ पे आना चाहता है, बट वो आने के लिए स्पेस तो मिलना चाहिए ना, स्पेस है ही नहीं। तो अगर मान लो कि कार्बन के सराउंडिंग जैसे जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे रेट ऑफ SN2 जो है वो कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आप नोटिस करो जरा,
यहाँ मिथाइल था, मतलब इस कार्बन के पास यहाँ पे केवल 3 हाइड्रोन है, तो मतलब क्राउड न के बराबर है। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोन का क्राउड है और 1 मिथाइल का क्राउड है, तो मतलब क्राउड बढ़ गया, तो रेट कम हो जाएगी। अब इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्राउड और बढ़ गया। क्राउड बढ़ने से अटैकिंग पोजीशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पे रेट और कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे 3 बार मिथाइल है, तो मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेट जो होगी वो यहाँ पे सबसे कम होगी। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना बेटा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, SN2 का, रेट ऑफ SN2। तो रेट ऑफ SN2 का यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एक तो ये सबसेट होते हैं जो ध्यान रखना है कि ये वाले जो कंपाउंड है वो इस तरह से यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, और यही वजह थी तो मैंने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड को सूटेबली एग्जांपल की फॉर्म में एग्जाम लिया था, और उसी से मैंने मैकेनिज्म को समझाया। अब पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं बेटा। देखो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये समझेंगे कि एक इस तरह के कंपाउंड होते हैं बेटा, ये वाले, इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये सर बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है उनको समझते हैं। देखो बेटा इनको भी समझो जरा। जैसे कि मान लो कि ये एक 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, 6 कार्बन की चेन है। अब इस 6 कार्बन की चेन को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये करके, ऐसे करके, ये वाली। तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 कार्बन की चेन है। अभी अगर आप, मैं आपसे ये कहूँगा बेटा यहाँ पे ये बताओ कि इसमें कितनी लूप है, मतलब लूप काउंट करनी है कि यहाँ पे कितनी लूप है, कितनी रिंग है यहाँ पे, तो आप देखोगे सर यहाँ पे एक ही रिंग है। अगर मान लो कि एक कार्बन कहीं अलग पड़ा हुआ है, ये वाला, और इस कार्बन को किसी भी 2 कार्बन के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसके साथ और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 कार्बन जो हैं वो एक तो इस लूप के साथ कनेक्टेड है और एक इस लूप के साथ कनेक्टेड है, तो जब वहाँ पे डुअल रिंग आ जाती है तो उन्हें कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाई का मतलब 2 होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने एक कार्बन कोई और ले लिया और इस कार्बन को यहाँ पे ऐसे टच कर दो और ऐसे, तो मतलब ये जो कंपाउंड होगा ना वो कैसा होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड बना लिया, क्लियर ना बेटा। अब ये देखो कि ये जो रिंग है ना वो कहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो आप देखोगे कि जो रिंग है ना, एक तो यहाँ पे कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से और एक यहाँ पे इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि ये जो कार्बन एटम जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, इन कार्बन एटम को बेटा कहा जाता है ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम। क्या कहा जाता है बेटा, दीज आर द ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम, इन्हें हम लोग ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम कहते हैं। और अगर मान लो कि ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम से अगर कोई हैलोजन का एटम यहाँ जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना है कि ये SN2 नहीं देता है, तो दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2, यानी कि ये जो कंपाउंड है बेटा वो SN2 को रिएक्शन को नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले मैं समझ लिया, पहले पॉइंट में समझा कि भाई जो लेस क्राउड होगा वो SN2 की रेट उसकी ज़्यादा होगी, जो मोर क्राउड होगा उसके लिए SN2 की रेट कम होगी। दूसरा केस हमने समझा कि हेलोजन का एटम अगर ब्रिजिंग हेड कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो ERSN2 नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, अब जैसे कि मान लो कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये है बेटा अपना CH3 है और ये अपना कार्बन है, और इसे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया, सभी जानते हैं, और ये अपना CH2 है और इस CH2 के साथ यहाँ पे भाई अपना X है, ठीक है ना। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो हेलोजन का एटम है वो जिस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है वो कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा है और ये क्या है बेटा, बीटा। अब बीटा कार्बन पे यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो कौन से ग्रुप की प्रेजेंस है, ये है बेटा अपना कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है भाई, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ऐसा हेलो एल्केन दे रखा है जिसकी बीटा पोजीशन पे कौन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना है कि वो अपनी SN2 के लिए मोर रिएक्टिव होता है बेटा। SN2 के लिए कैसा होता है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि SN2 के लिए ये वाला जो कंपाउंड होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। मतलब अगर कोई हेलो एल्किन ऐसा है कि जिसमें हेलोजन आइटम के रेस्पेक्ट में बीटा पोजिशन पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपने SN2 के लिए कैसा होगा, मोस्ट रिएक्टिव। तो हमने 3 केस बेटा यहाँ समझ लिया। अब हम समझते हैं बेटा फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, ये अपना CH3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है और ये अपना CH3 है ना, और यहाँ पे CH2 कर लो, यहाँ पे ये CH2 अपना, ये है अपना CH2 और ये है अपना हेलोजन का एटम, ठीक है ना। अब अगर हेलोजन का एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है सभी जानते हैं कि अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन और ये भी एक कार्बन, लेकिन इनके बीच में एक एटम आ गया, ऑक्सीजन का एटम आ गया,
और सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के पास ना दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो देखो, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेन जो होनी चाहिए थी वो कार्बन की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ चेन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन के एटम को यहाँ पे कहा जाता है हेट्रो एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हेट्रो एटम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कार्बन की चेन है और उसमें हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, भाई जो हेलोजन है ना वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर इसी कार्बन से यानी कि अल्फा कार्बन से अगर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है ना, तो हेट्रो एटम की जो प्रेजेंस होती है वो उस कंपाउंड को यानी कि SN2 के लिए मोर रिएक्टिव बना देती है। मतलब ये जो रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ ये इस कंपाउंड के लिए SN2 की जो रेट होगी वो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। मतलब मोस्ट नहीं, मोस्ट तो हम लोग लिख चुके हैं, ये कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, नॉर्मल से ज़्यादा आएगी यहाँ पे रेट, है ना। नॉर्मल से रेट बेटा ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चार पॉइंट हो गए बेटा हमारे पास। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास जो आता है दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइक बेंजाइल एंड अराइल। बेंजाइल एंड लाइक अलाइल, पांचवी कंडीशन है। जैसे कि मान लो अपना ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है और इसके साथ यहाँ पे एक हेलोजन का एटम को जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नहीं, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके बाद बेटा यहाँ पे ये CH2 है और इसके साथ यहाँ पे एक हेलोजन का एटम अटैच है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो कार्बन एटम है ना वो कब आ रहा है। ये आता है सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के बाद। मतलब ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के बाद जब कार्बन एटम जो आता है वो उस कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलाइल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं बेटा? अलाइल कार्बन एटम। और आपको ध्यान रखना है कि अलाइल कार्बन एटम के साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होता है, वो होता है अपने SN2 के लिए मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? मोर रिएक्टिव। सेम चीज़ होती है बेटा अपने बेंजाइल के लिए। जैसे कि ये अपनी बेंजीन की रिंग है और बेंजीन रिंग के बाद अगर कोई कार्बन एटम आता है, ये वाला कार्बन एटम, अब ये क्योंकि बेंजीन रिंग के बाद आता है तो बेंजीन रिंग के बाद वाला जो कार्बन एटम जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। सो दिस इज द बेंजाइल कार्बन एटम। तो ये बेंजाइल कार्बन एटम है और ये अलाइल कार्बन एटम है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजाइल कार्बन एटम से और अलाइल कार्बन एटम से जो भी हेलोजन के एटम जुड़े हुए होते हैं वो SN2 के लिए कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव। मतलब ये दोनों ही केसेस जो है मोर रिएक्टिव है। ये दोनों ही केसेस कैसे बेटा हमारे पास? मोर रिएक्टिव। तो ये है मोर रिएक्टिव फॉर SN2, दिस इज द मोर रिएक्टिव, है ना। ये मोर रिएक्टिव है बेटा कैसे, किसके लिए? SN2 के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि दो केस बता दिए भाई जो मोर रिएक्टिव है। एक्चुअली एक तो ये है हेट्रो एटम की जो प्रेजेंस है वो SN2 को मोर रिएक्टिव बना देती है, और जो बेंजाइल और अलाइल होते हैं वो भी मोर रिएक्टिव होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस बीटा पोजीशन पर उसे मोस्ट रिएक्टिव बनाती है, और ब्रिजिंग हेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम जो होता है वो यहाँ पे होता है कैसा, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब देता ही नहीं है। और नंबर सिक्स एक केस और बात कर लेते हैं, नंबर सिक्स एक केस यहाँ पे और भी आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं लाइक विनाइल, विनाइल पोजीशन बोलते हैं विनाइल। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये अपना CH2 है और ये अपना CH है, तो आप नोटिस करोगे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों कार्बन के एटम को हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बन एटम। अब विनाइल के साथ यहाँ पे X अटैच है, तो ये जो कार्बन एटम जो आपको यहाँ दिख रहा है इस वाले कार्बन एटम को यहाँ पे कहते हैं विनाइल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? विनाइल। तो ये बेटा हमारे पास है विनाइल कार्बन एटम, और विनाइल कार्बन एटम के साथ अगर X जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग नहीं हटा पाएंगे, यानी कि ये जो होगा वो कैसा होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। कैसा होगा भाई? लेस रिएक्टिव। ये हमारी SN2 के लिए कैसा होगा? लेस रिएक्टिव। इसी केस में एक पॉइंट यहाँ पे और भी आ जाता है, जैसे कि अपना बेंजीन है और बेंजीन के साथ अगर हेलोजन का एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है जैसे ये वाला जो है, तो आप जानते होंगे कि बेंजीन के जितने भी कार्बन जो होते हैं जैसे कि ये वाला जो कार्बन है इनको हम लोग बोलते हैं अराइल कार्बन। क्या बोलते हैं? अराइल कार्बन एटम। तो अराइल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ अगर X है तो इसे भी हम यहाँ पे नहीं हटा पाएंगे, यानी कि ये भी यहाँ पे कैसा रहेगा? लेस रिएक्टिव रहेगा। तो अल्टीमेटली सबस्ट्रेट में बेटा यहाँ पे सिक्स पॉइंट आते हैं, सिक्स पॉइंट्स को बेटा ध्यान से पढ़ना होता है। कौन कौन से सिक्स पॉइंट थे जो यहाँ फैक्टराइज करेंगे? तो वो ये है, एक तो क्राउड बताएगा, देखो क्राउड ज़्यादा हो जाएगा ना तो रेट कम हो जाएगी। दूसरा, ब्रिजिंग हेड कार्बन से अगर X जुड़ा हुआ है तो ये SN2 नहीं देने वाला है, लीस रिएक्टिव है। बीटा कार्बन पे अगर कार्बन आ जाए तो वो मोस्ट रिएक्टिव है SN2 के लिए,
अगर हेटरो एटम आ जाता है तो मोर रिएक्टिव है, अराइल और वेंजाइल हैं तो ये मोर रिएक्टिव हैं, और विनाइल और अराइल हैं तो वो लेस रिएक्टिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया भाई, नंबर वन पॉइंट हो गया नेचर ऑफ सब्सट्रेट, ठीक है ना बेटा, पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे की पॉइंट की बात करेंगे कि नेचर ऑफ सब्सट्रेट के बाद क्या कोई और भी पॉइंट यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे तो हमने समझा था कि भाई इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता ना वो आता है बेटा आपका क्या, वो आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो वो SN2 रिएक्शन की बात करूँगा बेटा, तो आपको याद रखना होगा कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो सॉल्वेंट तो आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर किन्हें कहते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और नॉन पोलर किन्हें कहते हैं भाई, जिनका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, सॉरी नॉन पोलर मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और एक होते हैं अपने पोलर होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो जितने भी हमारे यहाँ हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होने चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन पोलर अप्रोटिक होनी चाहिए, उनको पढ़ते हैं बेटा। देखो जरा सेकंड फैक्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और वो है अपना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ना बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कहा जाता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर करती है। तो ये कहा जाता है कि SN2 रिएक्शन फेवर, SN2 रिएक्शन जो होती है वो फेवर करती है, फेवर इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर अप्रोटिक है तो उसमें SN2 की रेट काफ़ी ज़्यादा होगी। एग्जांपल समझते हैं, पहला एग्जांपल जो होता है बेटा कुछ इस तरह का होता है कि हम बात करते हैं DMA की बात करते हैं, या DMF की बात कर लेते हैं, DMF। तो एक कंपाउंड होता है बेटा अपने पास DMF, ठीक है ना बेटा, DMF। DMF की बात करेंगे तो ये होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई मिथाइल फॉर एमाइड बेटा, है ना, DMF। तो डाई मिथाइल फॉर एमाइड की बात करेंगे कि डाई मिथाइल फॉर एमाइड क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है, डाई मिथाइल फॉर एमाइड। डाई मिथाइल फॉर एमाइड एक DMF जो होता है वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके बारे में देखो बेटा। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हम बात करेंगे, जैसे कि पहले सिंगल डबल बॉन्ड लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे हो जाएगा अपने पास लाइक एन हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको एमाइड के बारे में बताता हूँ कि डाइमिथाइल फॉरएमाइड होता क्या है। देखो बेटा, आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड के बारे में सीखा होगा, फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर जो बेटा वो ये वाली होती है, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे ये हो कि जो फॉर्मिक एसिड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो फॉर्मिक एसिड है। अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं और ये ऑक्सीजन एटम है, तो अगर आपको इसे अमाइड बनाना है, अमाइड, तो अमाइड के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाइड के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके आपको अमाइन ग्रुप लगाना होगा। अमाइन समझते ना, NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो वही चीज़ें करनी है इसे, अगर आपको डाइमिथाइल फॉरमेट बनाना है तो हमने जैसे कि यहाँ पे ले लिया अपना एक तो नाइट्रोन ले लिया, ठीक है। अब नाइट्रोन की जो वैलेंसी होती है सभी जानते हैं, नाइट्रोन की वैलेंसी कितनी, 3 वैलेंसी होती है। तो अभी यहाँ पे इसको 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमें इसे अमाइड बनाना है। तो अमाइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ, अमाइड ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे NH2, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या होता है भाई, NH2। तो ये जो है, ये जो ग्रुप है ना बेटा, वो यहाँ पे अमाइड है, और हमें क्या बनाना है, डाई मिथाइल फॉरएमाइड। अब देखो डाई मिथाइल फॉरएमाइड कैसे बना है वो देखो जरा, डाई मिथाइल फॉरएमाइड कैसे बनाएंगे वो देखो जरा। तो इधर बेटा हमने अपना किया H, ठीक है, क्या लेंगे बेटा अपना H, यहाँ लेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N, और उसके बाद अगर दो हाइड्रोजन ले लेते हैं तो वो अमाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। अगर यहाँ पे N के पास अगर मैं दो हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो अमाइड बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हटा करके अगर यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल। तो ये बेटा अपना है डाई मिथाइल फॉरएमाइड, जिसे DMF कहते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो DMSO ले सकते हो, ठीक है, DMSO। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, है ना बेटा, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का इसका फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। तो जैसे कि अपनी ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या है, फॉर्मूला है।
अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा करके दो बार मिथाइल लगा दी जाए, जैसे कि एक मिथाइल हमने ये लगा दी और एक मिथाइल हमने ये लगा दी, तो ये हमारा है बेटा DMSO। एक और होता है, एक अपना होता है DMA भी होता है बेटा, DMA। DMA क्या होता है? DMA होता है अपना डाईमिथाइल एसीटामाइड, डाईमिथाइल एसीटामाइड। ये डाईमिथाइल एसीटामाइड होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये होता है यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है। एक इसके अलावा और भी है, एसीटोन है बेटा, एसीटोन। और यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला तो आप शायद जानते भी होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। यानी कि बेसिकली इनमें से कोई भी सॉल्वेंट आपको देखने को मिलता है, कोई भी सॉल्वेंट, अगर में से कोई भी सॉल्वेंट दिखता है, जैसे कि मान लो कि गिब्स आउट के ऊपर अगर यहाँ पे DMF लिखा हुआ है, या मान लो कि DMSO लिखा हुआ है, DMA लिखा हुआ है, एसीटोन लिखा हुआ है, तो मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे रिएक्शन जो परफॉर्म होने वाली है वो क्या है, वो है अपनी कौन सी लाइक SN2 रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें एक लास्ट फैक्टर और बचता है, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल कैसी कैसी होनी चाहिए वो सब बात करते हैं। देखो, पहली कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, पहली बात, ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और दूसरी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेस क्राउडेड। कैसी होनी चाहिए बेटा, लेस क्राउडेड। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल एक तो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उसे अटैक करना होता है ना, जब अटैक करेगी तो स्ट्रॉन्ग भी तो होनी चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल कैसी होनी चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, लेस क्राउडेड। तो बेसिकली यही कुछ फैक्टर हैं, तीन फैक्टर जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेंगे। तो ये दीज आर द सम फैक्टर्स। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा ये आपका यहाँ पे लाइक जो अपना जो SN2 है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, SN2 यहाँ पे आके अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप उसको एक बार वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वैसे मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। अगले स्टेप में हम लोग SN1 डिस्कस करेंगे, और फिर जब SN1 हो जाएगा तो SN1 और SN2 के दोनों के कलेक्टिवली क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हमको डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी को यहाँ पे नोट करवा सकते हैं कि सर हमारी ये क्वेरी है और हमको ये समझ में नहीं आया है, ठीक है बेटा, 9557080802। तो होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, फर्दर एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप और इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।